हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कुछ रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पोस्ट के लिए है। और इसमें सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए कितना वैकेंसी है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर यानी कि अतुल्य कोचिंग चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। और किसी भी मतलब कि टीचिंग ग्रुप से कोई भी वैकेंसी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, जैसे वैकेंसी का आना या फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट होना, रिजल्ट का आना, ये यहाँ पर ऑनलाइन होते रहता है हमारी टीम के द्वारा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, टीचिंग ग्रुप में जाना चाहते हैं आप, टीचिंग गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसको, इसमें क्या कुछ है। ये देखिए, जो पहला पोस्ट है आपका, ये पीजीटी हिस्ट्री, इसके लिए टोटल वैकेंसी 1 है। और मैं बता दूं फिर से, ये रेगुलर पोस्ट है, यानी परमानेंट पोस्ट है आपका ये। दूसरा जिसमें सीरियल नंबर है वो है पीजीटी ज्योग्राफी, इसके लिए भी 1 है। तीसरा देख सकते हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 है, पीजीटी पेंटिंग के लिए 1 है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 है, पीजीटी साइकोलॉजी के लिए 1 और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1, टीजीटी साइंस के लिए 2, टीजीटी इंग्लिश के लिए 1, टीजीटी हिंदी के लिए 1, टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए 1, टीजीटी संस्कृत के लिए 1, टीजीटी स्पोर्ट गेम्स के लिए 1, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1, टीजीटी कंप्यूटर के लिए 1, टीजीटी म्यूजिक के लिए 1। और उसके बाद देख लीजिए फिर पीआरटी के लिए, आप देख सकते हैं पीआरटी के लिए टोटल जो पोस्ट है ये है 9, यानी कि पीआरटी के लिए 9 वैकेंसी है। और जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 1, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 1, उसके बाद साइंस लैब अटेंडेंट के लिए 1, कराटे इंस्ट्रक्टर के लिए 1 और डांस टीचर के लिए 1। यानी कि टोटल जो है ना 22 डिफरेंट इसमें जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ सामने लिखा हुआ है। अब इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से आगे कि इनिशियल पे क्या रहेगा इसका। पीजीटी के लिए है ₹25,500 पर मंथ, टीजीटी के लिए 25,000 पर मंथ और पीआरटी के लिए 21,500 पर मंथ विद एडमिसिबल इंक्रीमेंट्स एंड डिडक्शंस। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए ₹10,000 पर मंथ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए ₹19,000, लैब अटेंडेंट के लिए ₹10,000 पर मंथ, पार्ट टाइम स्टाफ ₹15,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड विद एडमिसिबल डिडक्शंस। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर सीरियल नंबर 1 to 19, यानी कि आप देख सकते 1 to 19, यानी यहाँ तक ये इसका जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्ज़ाम, ये होना 30 जनवरी 2021। और मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन रहेगा ये सारा इंग्लिश रहेगा। सेकंड पॉइंट है, फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये 2 नंबर दिया हुआ है, जिस पर आप कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी आती है, तो आप यहाँ से क्वेरीज कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट है, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन बाय दिस स्कूल इज़ 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी 2021 तक आपको एप्लीकेशन भेज देना है। और एप्लीकेशन भेजने के लिए ये है वेबसाइट, जहाँ पर आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, और ये नेम ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल, आप जैसे कि हमने देखा भी यहाँ से देख सकते हैं आप पे स्केल क्या रहेगा इसका, और नंबर पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं आप 1, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आप जिस किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी तरह से क्वालिफिकेशन देख लीजिए, और यदि आप बिल्कुल आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तभी आप भेज सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से रेगुलर है, यानी परमानेंट है आपका ये। और उसके बाद जो पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ये भी आपका परमानेंट है। फिर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, पीजीटी पेंटिंग उसके लिए देखिए, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, पीजीटी साइकोलॉजी के लिए, यानी कि जिस किसी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं आप, तो उससे उसमें जो भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो वो आप ज़रूर आप मैच इसको चेक कर लीजिए कि वो आपके पास है। अदरवाइज़ क्या होता कि हमने हड़बड़ा के भर दिया, पता चला कि आगे फिर कुछ दिक्कत आ गई, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद पीजीटी साइकोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी रेगुलर पोस्ट है आपका। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन यहाँ से क्या होना चाहिए, उसके बाद ये भी रेगुलर है। उसके बाद टीजीटी साइंस के लिए देख सकते हैं आप यहाँ से, ये क्वालिफिकेशन है
ये मैं बिल्कुल आपको जस्ट जो मेन मेन पॉइंट में बता रहा हूँ, बाकी आप इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ना। कहे कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या बच्चे इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ते नहीं, फॉर्म भर दिया और फिर परेशानी आ जाती, तो इस परेशानी में हम ना पढ़ें ये ध्यान रखिए। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका ये रहेगा, और ये भी रेगुलर पोस्ट है। टीजीटी हिंदी के लिए देखिए आप ये क्या रहेगा। फिर टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से, टीजीटी संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से रेगुलर पोस्ट ये भी है। फिर टीजीटी स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये भी रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद आप देखिए टीजीटी आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये भी रेगुलर पोस्ट है। लेकिन क्वालिफिकेशन आप अच्छी तरह से रीड कर लेना क्या है, कैसी उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं आप, और उसके बाद टीजीटी म्यूजिक के लिए आप देख सकते हैं ये भी रेगुलर पोस्ट है आपका। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका पीआरटी के लिए, जिसमें 9 पोस्ट है, 9 वैकेंसी पीआरटी के लिए। और इसमें यहाँ देखिए पीआरटी में नॉर्मली क्या होता है ना, प्लस टू और 2 ईयर्स डिप्लोमा मांगा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए आप, अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम मार्क्स 50% इन द एग्रीगेट। इसमें देखिए ये थोड़ा अलग है, यानी कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएट 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए, बीएड डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ध्यान रखिए। इस ये भी रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन के लिए ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल आपका, ये जूनियर लाइब्रेरियन जो है ये है कॉन्ट्रेक्चुअल। उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल। कराटे इंस्ट्रक्टर पार्ट टाइम। उसके बाद डांस टीचर ये भी पार्ट टाइम रहेगा आपको ये। अब इनिशियल पे इसका क्या रहेगा, पीजीटी के लिए जैसे हमने बताया 25,500, टीजीटी के लिए 25,000 एंड पीआरटी के लिए 21,500। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस स्पेशली एमएस ऑफिस, दूसरा एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, तीसरा CTET/STET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन एडिशनल वेटेज, यानी कि यदि अपने CTET या फिर STET किया हुआ है तो आपको वेटेज मिलेगा। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू ऑल द एवर पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप। जनरल कंडीशन क्या रहेगा इसको भी आप ज़रूर पढ़िए, और बाकी आप देख सकते हैं कि देयर विल बी अ रिटन टेस्ट एंड और एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 1 to 19, यानी कि 1 से लेकर 19 तक का सीरियल नंबर में जो रिटन टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें हो सकता है। और जैसा कि बताया कि डेट ऑफ जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये 30th Jan है, यानी कि 30 जनवरी होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम होना है, और एग्ज़ाम के बाद फिर आपको ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उसमें सिलेक्शन किसका किसका हुआ। और एप्लीकेशन जो आप भेजेंगे उसके लिए आप देख लीजिए आप, ये एप्लीकेशन फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन ये है एप्लीकेशन जहाँ पर आपको इसमें भेजना है, और जो फॉर्मेट है जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ये देख लीजिए आप, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से नाम लिखिए, उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो चिपकाइए, पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स यहाँ पर ये रखना है, फादर्स नेम हस्बैंड्स नेम यहाँ पर रखना है, डेट ऑफ बर्थ एज एज ऑन दिस, और उसके बाद यहाँ पर यदि आपने कुछ मैट्रिकुलेशन में कितना मार्क्स है, कब आपने पास किया, किस बोर्ड से पास किया, ये सब सारा भर के आपको भेजना है। और सबसे जरूरी बात देखिए कि जब कभी आप फॉर्म भरो आप तो एक सेट पूरा का पूरा जेरोक्स, जैसे मानो जो भी फॉर्म भरोगे तो उसका कंप्लीट जेरोक्स आपके पास होना चाहिए, ताकि एक प्रूफ के लिए भी, जैसे मानो फॉर्म तो आपने भेज दिया लेकिन फॉर्म वहाँ पहुँचा नहीं तो आप कैसे क्लेम करोगे कि हमने फॉर्म भेजा था। तो एक सेट आपके पास जेरोक्स फॉर्म में होना चाहिए जो भी आप भर रहे हैं, ठीक है। तो ये था, और इसको ये जो आप पूरा पूरा इसमें जिस वेबसाइट पर आना है आपको, चलिए मैं वेबसाइट का एक लुक दिखाता हूँ आपको कि वेबसाइट क्या है। इस वेबसाइट एड्रेस मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा एक बार फिर से बताता हूँ कि वेबसाइट एड्रेस क्या है और कैसे आपको वहाँ पर आना है। ये देखिए वेबसाइट एड्रेस ये है www.number1airforce school.gwl.com, ये वेबसाइट है। और कैसे आप जैसे इस वेबसाइट को आप जैसे इसमें डालेंगे सर्च बार में, तो ये आपके पास जो होम पेज खुलेगा ये होम पेज का लुक है। और यहाँ पर होम पेज पर आने के बाद राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ एंड इवेंट्स में ये है रिक्रूटमेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म। इसको जब क्लिक करोगे आप, जैसे हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद क्या है ना, एक दूसरा पेज खुलेगा। दूसरा पेज जैसे खुलते हैं
तो खुलते ही आपको रिक्रूटमेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म 2021 इसको क्लिक करिए आप, और इसको क्लिक करने के बाद ये जो आपको पेज जो हमने भी डिस्कस किया वही पेज खुलेगा, और इसको आप अच्छी तरह से रीड करके, और सबसे आखिरी में देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर अच्छी तरह से भरिए, और यदि आप अच्छी तरह से भर के भेज दिया, टाइम से पहुँच गया, तो फिर आगे का प्रोसीजर होगा। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि PRT TGT PGT तीनों पोस्ट के लिए रेगुलर वैकेंसी आया हुआ है, और कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो इसको आप ज़रूर भरिए। और हमारे चैनल पर यदि यानी अतुल्या कोचिंग चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।